हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई चली होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको गणित कक्षा 12 की डॉक्टर मनोहर रे हर्षित शर्मा एनसीईआरटी पटना की बुक है। अध्याय पढ़ा रहा हूँ आपको 5 सत्ता तथा अवकलनीयता, आपको दिख रही होगी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी। आज आपको अवकलन स्टार्ट करूंगा, आप लोगों को दिख रहा होगा। अवकलन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब के लिए साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करूंगा 5B, तो 5B आप लोग देखिएगा, क्योंकि 5A बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है, उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगा। तो आप लोग 5B पहले आप अवकलन सीखिए, उसके बाद इसको बताएंगे। ठीक है, इसमें आपको वैसे वो होने चाहिए लास्ट में, लेकिन आपको पहले दे दी गई, तो इसलिए मैं लास्ट में बताऊंगा। तो आप लोग कोई घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पहले अवकलन सीखिए, बहुत आसानी से आपको अवकलन बताया जाएगा, बहुत ही सिंपल वे में आप लोग कोई समस्या कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट में, 7 नंबर तक क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके आगे पहले मैं बताने से पहले आप लोगों को कुछ फार्मूलेस की पॉइंट्स लिखाऊंगा, तो आप लोग देखिएगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर फार्मूलेस और की पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर दे रहे, ये लिखे हुए हैं आपके पास फार्मूले, क्या लिखा हुआ है चैप्टर आपके पास लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए बहुत आसानी के साथ में लिखा हुआ है यहाँ पे चैप्टर, अध्याय नंबर 5 सत्ता तथा अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, कैसे इंपोर्टेंस फार्मूलाज देखो आपको लिखे हुए हैं, आप लोग देखिएगा इम्पोर्टेंट सूत्र लिखे हुए हैं आपको दोनों तरफ दिख रहे होंगे, जहां तक आपको दिख रहे होंगे वहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूलों का यूज करके हम यहाँ पे आप लोगों को क्या सोल्यूशन बताएंगे, तो आप लोग देखिएगा बहुत आसानी के साथ में लगाने की कोशिश कीजिएगा। देखिये लिखा हुआ है पहला लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉरी लिखा हुआ है d/dx(x)n = (n)(x)n-1 होता है, जो हमारे पास फार्मूला आपको याद रखना है, अगर x(n) है तो पहले तो समाकलन अवकलन में आपको अंतर समझना है, अवकलन में हमारे क्या छोटी छोटी चीज को बड़ी से बड़ी चीज को छोटी कर देते हैं, और समाकलन में छोटी से छोटी बड़ी चीज को क्या हम कर लेते हैं बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज को, तो यहाँ x^n तो n हमारा पहले आ जाता है, और x^n में n जो पावर होती है उसमें 1 कम हो जाता है, ये हमारा x^n का होता है। किसी भी कॉन्स्टेंट का मान हमारा क्या हो जाता है 0, अवकलन करने पर उसका मान 0 होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल आप लीजिए 0 कैसे d/dx सिंगल 5 का करेंगे तो क्या होगा 0 आएगा हमारा अवकलन। दूसरा लिखा है d/dx a^x, तो ये होता है a^x log a/e आपके पास होता है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान बहुत सिंपल फार्मूला है आपके पास d/dx a^x क्या होता है a^x log a/e हो जाता है। फिर होता है हमारे पास दूसरा फार्मूला यहाँ पे आपके 4th नंबर फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, बहुत आसान है, आप लोग देखिए इसके आगे दिखा देते हैं, लिखा हुआ है d/dx साइन एक्स का अवकलन होता है हमारे पास कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, आपको जस्ट उल्टा होता है d/dx साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। फिर इसी के ऊपर आपको देखिए जो फार्मूले दूसरी साइड में लिखे थे वो अभी आपको देख लेना है, थोड़ा सा देखिएगा लिखा हुआ है d/dx log x/e का 1/x होता है, d/dx log x/a का 1/x log e/a होता है, d/dx x/e का हमारा अवकलन होता है 1/x log e/a होता है, फिर d/dx e^x का जो होता है हमारे पास e^x ही होता है हमारे पास अवकलन। फिर लिखा हुआ है इसी बात आप लोग देखिएगा, इनकी प्रूविंग भी है आपके पास, अगर किताब होगी तो आप वहां से देख सकते हैं, टाइम कम होने की वजह से हम आपको यहाँ पे शॉर्टली बता रहे हैं। d/dx टेन एक्स का कैसे होता है sec^2x होता है हमारे पास अवकलन होता है, ये लोग ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि d/dx का टेन एक्स पे हमारा sec^2x होता है हमारे पास अवकलन। फिर होता है d/dx का sec x का अवकलन जो होता है हमारे पास sec x इंटू में टेन एक्स होता है, d/dx का अवकलन जो होता है हमारे पास sec x इंटू में क्या होता है हमारे पास टेन एक्स होता है, जो हो गया आपके पास। इसी के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा और देखना है, 11 और 12 फार्मूले आपके पास लिखे होंगे, जिन्हें लिखा है d/dx का जो हमारा cosec x का जो अवकलन होता है क्या होता है माइनस का cosec x इंटू में cot x होता है, और d/dx का cot x का जो होता है माइनस का cosec^2x होता है हमारे पास, ये हो गया आपके पास समीकरण d/dx cot x का होता है माइनस का cosec^2x
डी अपॉन डी कॉसेक डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स का जो होता है हमारा डिफरेंशिएशन होता है या अवकलन होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप लोगों को ये फार्मूलेस हो गए, इसी के साथ साथ आपको कुछ और की पॉइंट्स देखना है आप लोग देखिएगा। देखिए आपको की पॉइंट्स दिखा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को ये फार्मूलेस याद होंगे तभी आप सवालों का सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए आपके पास ये तो फार्मूलेस और लिखे हुए हैं दो, क्या लिखा हुआ है फलन का अवकल गुणांक, फलन का अवकल गुणांक जो होता है डी एफ अपॉन डी एक्स डी फंक्शन ऑफ डी एक्स इसको डी डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ डी टी इंटू में डी टी अपॉन मतलब है डी एफ अपॉन डी एक्स जो लिखा हुआ है इसको कैसे ब्रेक करना है डी एफ अपॉन डी टी इंटू में डी टी अपॉन डी एक्स के फॉर्म में ब्रेक कर लेना है। और मैं यहाँ पे अगर हम कहीं पे डी वाई अपॉन डी एक्स या डी वाई अपॉन डी टी बराबर डी टी अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, ये हमारा एक फार्मूला हो गया। इसी के साथ साथ आपके लिखिए दूसरा फार्मूला देख लीजिए, आपके पास सिंगल फार्मूले दिखा रहे हैं, लिखा हुआ है वाई दो फलनों का गुणनफल हो तब, जब वाई दो फलनों का गुणनफल हो तब हमारा दो फंक्शन होते हैं जैसे फर्स्ट प्रथम फलन और द्वितीय फलन जब होता है उसके लिए फार्मूला क्या होता है वो भी आपको याद रखना है। प्रथम फलन का होता है वी हमने मान लिया प्रथम फलन, यू को मान लिया द्वितीय फलन, तो आता है हमारे पास प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन डी यू अपॉन डी एक्स प्लस द्वितीय फलन इंटू में प्रथम फलन का अवकलन होता है। क्या? प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन होता है, ये हमारा मल्टीप्लाई में होता है। एक फार्मूला और होता है हमारे पास, क्या होता है? हर में होता है, अंश और हर में जैसे हमने मान लिया डी अपॉन डी एक्स वी अपॉन यू, तो हर इंटू में अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू में हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर जो होता है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ हमारे पास वैल्यू हो जाती है। बहुत आसान है, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जी हो गया, आपके पास फार्मूलेस हो गए। अब आपको बताते हैं हम इसी के क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को दिखा देते हैं। जी देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पहला 5B का क्वेश्चन आ गया आपके पास स्क्रीन पर। जीरा लिखा है निम्नलिखित फलनों का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो निम्नलिखित फलन है उनका जो एक्स के सापेक्ष है अवकल गुणांक आपको ज्ञात करना है। आप लोग घबराइएगा नहीं कि आप लोगों को 5A एक्सरसाइज नहीं पढ़ाई है, मैं 5A एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइज आपको अभी पहले अवकलन समझिएगा, वहां पे अवकलन आ जाएगा तो हमें लिमिट आ जाएगी, तो अभी आप लोगों ने अवकलन समझा नहीं है तो आप लोगों को समझ में थोड़े कम आएंगे, इसी वजह से बुरियत महसूस होगी। वो मैं एक्सरसाइज आपको पढ़ाऊंगा जब अवकलन पे जब हमारे पास उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको टेंशन कोई समस्या कोई प्रॉब्लम आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है, आप लोग बेफिक्र होके पढ़ते रहिए, बस पढ़ते रहिए। ठीक है, आपको पढ़ना है और ज्ञान मिला है कहीं से भी मिले बटोर लेना चाहिए। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित फलनों का यक्ष के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। लिखा sec x क्यूब इंटू में साइन एक्स की पावर एन लिखा हुआ है। देखिए बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर sec x क्यूब लिखा हुआ है। अब देखिए इसका हमें क्या, हम sec x का हमको अवकलन पता है ना कि sec x क्यूब का अवकलन पता है, इस वजह से यहां पे क्या करेंगे हम लिख लेंगे फिर से मानेंगे माना t बराबर x क्यूब मान लेंगे, t बराबर जब हम x क्यूब मान लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y बराबर हो जाएगा sec t। ठीक है, sec t हो गया। अब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास t हो गया, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष जब अवकलन कर देंगे तो याद आएगा डी वाई अपन डी टी बराबर डी टी इंटू में आ जाएगा सेक टी। ठीक है, अब इसका जब अवकलन कर देंगे टी के सापेक्ष तो डी सेक टी का भी हमने बताया था फार्मूला आपको क्या होता है, अवकलन सेक टी इंटू में आ जाता हमारे पास सेक एक्स इंटू में होता है हमारे पास टेन एक्स जो हो गया। अब देखिये यहाँ पे हमने टी का मान लिया था, क्या टी माना था हमारे पास sec t इंटू टू, यहाँ पे t की जगह पर रख देंगे हम क्या dy वाई अपॉन डी एक्स, हमारे पास आ जाएगा फंक्शन क्या हो जाएगा sec x क्यूब
इंटू में आ जाएगा हमारे पास 10 एक्स क्यूब, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। लेकिन अब हमको ये पता है कि आज ये हमारे पास डी वाई अपान डी टी आ गया, हमें चाहिए डी वाई अपान डी टी से ये। तो अब यहाँ पे टी का फिर से करेंगे, टी बराबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टी बराबर लिखा है यक्स क्यूब, यक्स क्यूब लिखा। देखिए अब इसका एक दूसरा ट्रिक का ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, बहुत आसान है। अब इसका करेंगे हम क्या, यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स की सापेक्ष जब अवकलन करेंगे इसका, तो बहुत आसान है आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी आपको। यक्स की सापेक्ष जब अवकलन कर देंगे तो यह रहेगा डी टी अपान डी एक्स बराबर डी अपान डी टी इंटू में आ जाएगा यक्स क्यूब। इससे हमारा बन गया यक्स की पावर एन का फॉर्मूला, हमारे पास क्या होता है यहाँ पे डी अपान डी एक्स, एक्स की पावर एन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस का वन। इसी फार्मूले को यहाँ पे लगा देंगे तो यह जाएगा थ्री इंटू में यक्स की पावर आ जाएगा तीन माइनस का एक, बटी में आ जाएगा हमारे पास कुछ नहीं आएगा। अब तीन में से एक कम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो हो गया डी टी अपान डी एक्स, सॉरी आएगा यक्स की सापेक्ष में। अब देखिए हम जानते हैं कि हमें डी वाई अपान डी एक्स क्या होता है, लिखेंगे हम जानते हैं डी वाई अपान डी एक्स। आप लोग बस थोड़ा सा और वेट कीजिए, कुछ सेकंड के बाद इसका मैं आपको डायरेक्टली सोल्यूशन बताऊंगा, आपको आंसर भी सेम मिलेगा, सब कुछ सेम मिलेगा, बस एक चीज आपको याद रखनी है। मैं आपको अभी बेसिक बता रहा हूँ जो आप लोगों को किताब में नोट्स में आपको बताया गया होगा स्कूल में, लेकिन उसके आगे आपको उसका डायरेक्ट सोल्यूशन भी आपको बताएंगे। क्या होता है डी वाई अपान होता है हमारे पास डी टी, इंटू में होता है डी टी अपान का होता है हमारे पास डी एक्स, यहाँ पे मान रख देंगे डी वाई अपान डी टी हमारे पास डी टी अपान डी एक्स क्या होता है थ्री एक्स स्क्वायर इंटू में आ जाएगा सेक यक्स क्यूब इंटू में आ जाएगा हमारे पास टेन यक्स क्यूब, जो हो जाएंगे डी वाई अपान डी एक्स का हमारा आंसर आ गया। देखिए बहुत आसान है, आप लोग देख सकते हैं जी हमारा हो गया आंसर। तो लिख लेंगे क्या आता हमारे पास ये आंसर। अब इसी को अथवा में हम कैसे बताएंगे आप लोगों को दिखाते हैं, इसी क्वेश्चन को हम आपको और में कैसे बताएंगे वो भी आपको दिखा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे मैंने पेज चेंज किया है केवल, अब इसी को मैं अथवा बताऊंगा और को बताऊंगा और में बताऊंगा। लिखा y बराबर sec x क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसी में डायरेक्ट लिखेंगे यक्स की सापेक्ष, यक्स की सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी अपान डी एक्स इंटू में आ जाएगा sec x क्यूब। हम जानते हैं sec, हमने माना यही पे मान लिया, यहाँ पे हमारे पास t लिखा है, sec x का अवकलन होता है हमारे पास sec x इंटू में होता है हमारे पास टेन एक्स, लेकिन हमको sec x का पता है ना कि sec x क्यूब का पता है, इस वजह से यहीं पर हम किसका x क्यूब का अवकलन कर देंगे। दोबारा फिर से करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा sec x क्यूब इंटू में आ जाएगा हमारे पास टेन एक्स क्यूब, और ये हो जाएंगे थ्री एक्स की पावर n का फार्मूला लग जाएगा डी अपान डी एक्स, एक्स की पावर n का क्या होता है हमारे पास, बता देते हैं आपको फार्मूला देख लीजिएगा, बहुत आसान है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है आपके पास फार्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा थ्री एक्स की पावर तीन माइनस का एक, तो इसको खोल लेंगे जा जाएंगे थ्री तीन थ्री यक्स स्क्वायर इंटू में sec यक्स क्यूब इंटू में आ जाएगा टेन एक्स क्यूब, ठीक है। तो जिसको और थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, थ्री यक्स स्क्वायर इंटू में sec एक्स क्यूब इंटू में टेन एक्स क्यूब, ये देखिए बहुत आसान है, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा देखिए आंसर आ गया। देखिए कितना आसान कितना सिंपल है, देखिए बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं। देखिए ये था आपका हाफ पेज में और ये था आपका फुल पेज में, देख लीजिए आंसर सेम आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब बताते हैं आपको इसी का फर्स्ट का बी पार्ट आपको बताते हैं, देखिएगा बहुत आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होने देंगे। लिखा हुआ है यक्स की पावर एन, यक्स की पावर एन लिखा हुआ है, कोई समस्या नहीं है, आप लोग इसको भी देखिए, लिखेंगे माना
वाई बराबर साइन एक्स की पावर जो होता है हमारे पास एन आ जाएगा, साइन एक्स की पावर एन आ जाएगा। देखिए इसको अब डायरेक्ट सी लगा देते हैं, हमने आपको बेसिक बताया दिया था। अब इसके आगे बताएंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डीवाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स साइन यक्स की पावर एन आ जाएगा। अब देखिए इसको फिर से वही करेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। साइन एक्स का हमारे पास अवकलन क्या होता है हम जानते हैं, क्या होता है कॉस एक्स होता है, लेकिन हम जानते हैं साइन एक्स का अवकलन डालते हैं एक्स की पावर एन का नहीं डाल जानते हैं, इस वजह से एक्स की पावर एन का फिर से हम अवकलन करेंगे, इसी में करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। अब यह जाएगा हमारे पास कॉस एक्स की पावर एन इंटू में जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस का वन जो होता है डी वाई अपॉन का डी एक्स। देखिए ये था, इसको थोड़ा सा और आगे पीछे कर लेते हैं, आपको आंसर बता देते हैं। और इसके आगे क्या करना है, एन एक्स की पावर एन माइनस का वन इंटू में आ जाएगा कॉस एक्स की पावर एन डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन, बहुत आसान बहुत सिंपल है। वन भी हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट आपको मैंने बता दिया, आप लोगों ने लिखा समझा किया होगा आप लोगों ने। अब देखिए इसी के आगे आपको कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विकास साइन एक्स क्यूब टेन एक्स क्यूब, देखिए हमने आपको बताया, अभी हमने साइन सेक का बताया, साइन का बताया, अब आप लोग इसके एक्स क्यूब और टेन एक्स क्यूब के भी बहुत आसानी से आप लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं। हमको ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग ये दो क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, ये दो फर्स्ट और सेकेंड, इसको आप लोग क्या होमवर्क में क्वेश्चन लगाइएगा। आप लोग जी आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं आपको करने के लिए, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी, आप इनको लगा सकते हैं आसानी के साथ में। ठीक है, सेम तरीके से सेम मेथड से आपको लगाना है, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप कोशिश करते रहिए, आपको आंसर इनके मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसी के आगे आप लोगों को ये भी हो गया, अब बताते हैं आपको इसी के आगे और क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, बहुत आसानी रहेगी, आप लोग क्वेश्चन देखते रहिए और आंसर लगाते रहिए। अब देखिए इसी के आगे आप लोगों को, देखिए ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको दो ही क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में, इसके आगे जो तीसरा पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आप लोगों को नेक्स्ट तरीके से नए तरीके से नए जोश नए एनर्जी। अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन लगा लें, इनकी भी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, आप लोगों को ज्यादा आसानी रहेगी, सेम टू सेम सवाल है, बस थोड़ा सा समझना है इनको और ये क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे फिर मिलते हैं, नया जोश नई एनर्जी नया साक्षात, बाय बाय, और अच्छे से पढ़ते रहिए एंजॉय करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए एंजॉय करते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा अगर आपको पसंद आ रहा हो तो, हमको उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, और चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज से आपको अवकलन स्टार्ट हो गया है, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।